एंडिंग गेमर्स वेलकम टू द एंडिंग गेमर चैनल, जहां हम बात करते हैं गेम्स ऑफ गेम पीसीज की। तो आपको इंटरेस्ट है गेम्स ऑफ गेम पीसीज में, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम बात कर रहे हैं नेस की, सस्ती नेस की। बेसिकली नेस का तो मेन फंक्शन यही होता है कि आप उसमें बैकअप ले सकें, मेन तो यही फंक्शन है। बाकी अब तो कई सारे फंक्शन हो जाते हैं, क्योंकि नेस भी आप जानते हो कंप्यूटर होती है, उसमें कई सारे काम कर सकते हो। लेकिन जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेज है वो बैकअप लेने का ही है आपके कंप्यूटर का। आपका कंप्यूटर फेल भी हो सकता है, जल सकता है, चोर सकता है, अगर उसमें इंपॉर्टेंट डाटा है तो आपके बिजनेस के लिए, इवन होम यूज के लिए भी आपको बैकअप लेना आना चाहिए। कई तरह के बैकअप होते हैं, उन सब की बात करेंगे हम आज के वीडियो में। और जो मैं नेस आज फीचर कर रहा हूँ वो एक सस्ती नेस है, तो उसमें आपका फायदा भी हो जाएगा, आपको जरूरत नहीं है महंगी वाली नेस खरीदने की। जिस नेस की मैं आज बात कर रहा हूँ एक अफोर्डेबल बिल्कुल एंट्री लेवल की नेस है। इसकी के और के एक्स सीरीज आती है क्यूनैप की। अगर आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए और आपकी ज्यादा नीड्स हैं तो आप थोड़ी महंगी वाली खरीदिए। के और के एक्स सीरीज है जो अफोर्डेबल सीरीज है क्यूनैप की, उसमें यह है कि के सीरीज तो आपकी 1 GB आएगी, उसे आप अपग्रेड नहीं कर सकते। बाकी जो के एक्स सीरीज है वो 4 GB की आती है और वो अपग्रेडेबल भी होती है। उसमें आपको 10 GB वाला ईथरनेट पोर्ट मिलता है, इसमें बेसिकली आपको 1 GB वाला ही मिलता है। और जो के सीरीज है उसमें थोड़ी USB पोर्ट्स कम हो सकते हैं, 3.1 Gen 1 जो पोर्ट्स हैं वो कम हो सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा भी मिल सकते हैं। जैसे मैं अफोर्डेबल चीप चीप कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लिमिटेड हो गए। आप चाहो तो उसमें स्टोरेज बहुत ज़्यादा रख सकते हो। आप 16 TB की एक हार्ड डिस्क आती है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ के सीरीज की सबसे सस्ती सीरीज की नेस जो है, उसमें आप एक हार्ड ड्राइव 16 TB की लगा सकते हो, उसके साथ 3 और लगा सकते हो, तो टोटल 64 TB तक की आप स्टोरेज कर सकते हो अपनी। और अगर वो 64 TB की भी आपकी भर जाए, मतलब आपको और ज़्यादा ज़रूरत है, आपको नई नेस खरीदने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो इनके एक्सपेंशन वाले भी हार्डवेयर आता है क्यूनैप का ही, जो TR सीरीज में आता है, आप उसको जोड़ दो तो आपकी और ज़्यादा स्पेस बढ़ जाएगी। इसके साथ आपको ये एक्सटर्नल पावर ब्रिक देखने को मिलती है, ये एक अच्छी चीज़ है। जो पावर का ऑप्शन है वो नेस के बाहर हो तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि जो हीट जनरेट होने वाली थी, जैसे कंप्यूटर में हम करते हैं कि PSU कंप्यूटर के अंदर ही लगा देते हैं, अब आप ये भी जानते हो कि हार्ड डिस्क या स्टोरेज जो भी होती है वो हीट से ही ख़राब होती है, तो आपने जो हीट का ऑप्शन था एक वो बाहर ही कर दिया नेस के, ये एक अच्छी चीज़ है। ये जो मैं TS सीरीज के बारे में आपको बता रहा हूँ, जो के सीरीज है बेसिकली क्यूनैप की, ये सबसे सस्ती वाली जो है, ये कई तरह की आती हैं। जैसे 431K है अगर मॉडल नंबर, तो वो 4 बेज वाली हो गई। इसी तरह से 231K आती है, वो 2 बेज वाली हो गई। और एक 131K भी आती है जो 1 बे वाली आती है। ऑब्वियस सी बात है कि आपके नीड के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मैं तो सजेस्ट करूंगा कि 4 बे वाली तो आप लो ही लो कम से कम। इसमें हार्ड डिस्क इंस्टॉल करना बड़ा आसान है, ये आप जानते हो की आती है। ये की जो है कई और नेसेस में नहीं आती है, ऐसा तो इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस ये है कि की आप लगाते हो और लॉक कर देते हो तो ये एकदम सॉलिड मामला हो जाता है। गलती से भी हार्ड डिस्क गिरने की जरूरत वो नहीं है, लेकिन और महंगी वाली में ऐसा नहीं आता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन दे रखी है तो बढ़िया है। ये तो मैं आपको दिखाई चुका हूँ कि कैसे लगाते हैं और कैसे निकालते हैं। इसको निकालना और लगाना बहुत ही ईजी है। ये जो हॉट स्वैपेबल जो ये बेज आती हैं, इसमें मैं आपको ये भी दिखा चुका हूँ कि कैसे ये निकल आता है और आप इसे लगा लेते हो आराम से। इसी तरीके से मैं दूसरी भी आपको निकाल के दिखाई दे रहा हूँ। इसको लगाना और निकालना बड़ा ही ईजी है, जिससे कि आपको जैसे बाद में भी ज़रूरत पड़े तो आप ऑन, जब आपकी नेस ऑन हो तब भी आप इसे लगा सकते हो। ये मैं आपको वापस इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। ये हो गई लॉक, ऐसी दूसरी वाली भी लॉक कर ले रहे हैं और हमारी नेस हो गई तैयार, एज ईजी एज दैट। आइए बात कर लेते हैं कि आपको फ्रंट में क्या मिलता है इस नेस के। जैसा कि आप देख रहे हो 4 बेज तो मिलते ही हैं, उनके लॉक्स भी आते हैं, उसे निकालना और लगाना बड़ा आसान है। यहाँ से बात कर लेते हैं, ये LEDs आपको दे रखी हैं किस चीज़ की दे रखी हैं। तो ये तो नेस स्टेटस की है कि नेस ऑन है कि नहीं है, ये LAN की है, LAN कनेक्ट है कि नहीं है, ये USB ये वाला जो दे रखा है उसके लिए कि इसमें USB में कुछ कनेक्ट है कि नहीं है, ये हार्ड डिस्क की हेल्थ बताने के लिए है, HDD 1, 2, 3, 4। जैसे 2 में अगर आपने लगाई तो 2 ही लाइट जलेंगी, 4 में लगा दी आपने हार्ड डिस्क तो ये 4 लाइट चलेंगी। आइए अब बात कर लेते हैं कि नेस के पीछे आपको क्या देखने को मिलता है। जैसे कि आप सब देख रहे हो, सबसे बड़ा पार्ट तो ये फैन ही है। ये 120mm का फैन है, ये 4 बे नेस है, तो इसमें बड़ा साइज भी था तो लगा भी सकते थे। जो 2 बे वाली आती है 231K, उसमें आपको 70mm का फैन देखने को मिलता है। और जो इससे भी छोटी आती है TS 131K, उसमें आपको 50mm का फैन मिलता है, जो कि बहुत ही छोटा हो जाता है। आप सोचो ये 120mm का फैन है, इसका आधा ही कर लो, 50mm का फैन आता है उसमें। वो छोटी सी नेस है एक ड्राइव के लिए, तो 50mm का फैन भी मोर देन इनफ है। साइड में आप देखो, आपको 2 जो है गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट्स मिलते हैं, 2 दे रखे हैं आपको। नेस में तो ज़रूरी है, आप कई चीज़ें कनेक्ट करोगे तो ईथरनेट आपको चाहिए ही चाहिए। इसके ऊपर आपको मिल जाता है रीसेट बटन। मुझे तो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है नेस को रीसेट करने की, लगातार मुझे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, आपको शायद ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर आपको 2 USB पोर्ट दे रखे हैं, दोनों ही USB 3.2 Gen 1 है। आप चाहो तो इनसे ये जो डोंगल आता है जो ईथरनेट पोर्ट में बदल देता है आपके USB को,
उससे आप 5 Gbps तक की स्पीड निकाल सकते हो और ये पावर के लिए है। और साइड में अगर आपको पता ना हो ये क्या चीज़ होती है, कैंसेंटन लॉक होता है। कैंसेंटन लॉक अगर आपको नहीं पता है तो आप इस नेस को जो है अपनी टेबल से ही बांध दोगे, जिससे को इसको चुरा के भी कोई ना ले आ सके। अगर आपको नहीं देखा है, ये लैपटॉप वगैरह में भी आते हैं कैंसेंटन लॉक्स, जैसे कि लैपटॉप भी अगर आपने टेबल से बांध दिया है तो उसे भी कोई उठा के ना ले आ सके। ये अमेजोन पे बिकते हैं, मैं आपको फोटो भी दिखाई दे रहा हूँ कैसा दिखता है। मैं आपका ध्यान यहाँ ले जाना चाहता हूँ, आपने देखा होगा इंटेल वगैरह के आपको ज़्यादातर CPUs देखने को मिलते हैं जब नेस की बात होती है, i3 i5 Pentium वगैरह Celerons वगैरह। लेकिन यहाँ आप देखोगे जो प्रोसेसर है वो अन्नपूर्णा लैब्स का है, आपने शायद पहले नाम नहीं सुना होगा। अन्नपूर्णा लैब्स का ये जो प्रोसेसर जिसका नाम है अल्पाइन AL214 चार कोर का प्रोसेसर है, 1.7 GHz के साथ आता है। अन्नपूर्णा लैब्स जो है वो एक इजरायली माइक्रो इलेक्ट्रिक कंपनी है और ये अमेजोन ने खरीद ली है अपनी वेब सर्विसेज डिवीजन के लिए। और अगर क्यूनैप जैसी कंपनी भी इसे यूज कर रही है तो बेहतर है। आपको जो इंटेल के प्रोसेसर है वो थोड़ा महंगे पड़ जाते हैं और आप नेस में लगाओगे, आपकी बेसिक नेस 1 GB मेमोरी के साथ आ रही है, तो उसके लिए ये इस तरह के प्रोसेसर्स मोर देन सफिशिएंट है। इस पूरी नेस को इंस्टॉल करने के लिए आपको कोई भी टूल्स की जरूरत नहीं है, पूरा टूल फ्री इंस्टॉलेशन होता है। लेकिन फिर भी आपको स्क्रूज दिए जाते हैं, जैसे ये नेस अगर आप बार बार एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हो तो आप एक काम कर सकते हो कि उस स्क्रू से बे में टाइट कर दो, जैसे कि मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं निकाल के। जैसे मैंने तो सिर्फ ये लगा दी, अगर आप चाहो, ये मैंने तो ऐसी लगा दी थी, अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रूज के लिए जगह भी होती है, जैसा आप अपने कंप्यूटर में लगाते हो यहाँ पर आप स्क्रूज रख दो, उसको जरूरत नहीं पड़ती किसी भी नेस में नहीं पड़ती। बाकी तो मैं आपको कई सारे फायदे बता ही चुका हूँ नेस के, कि आप इसके प्लेक्स मीडिया सर्वर भी बना सकते हो, इसके QMagee सॉफ्टवेयर आता है, उसे फोटो वगैरह कर सकते हो, और भी कई चीज़ें होती हैं, वेबसाइट होस्टिंग वगैरह। लेकिन प्लेक्स वगैरह ये सब मैं करके आपको दिखाऊंगा किसी और वीडियो में, कैसे प्लेक्स इंटीग्रेशन करके आप अपने TV वगैरह पे सब पे जो है अपनी नेस से ही डायरेक्ट अपना पूरा मीडिया कंट्रोल कर सकते हो। कई और यूज में आपको बता चुका हूँ कि सर्विलेंस के लिए कैसे आप यूज कर सकते हो इसे, जब नेस आई गई है तो उसे सारी चीज़ों के लिए यूज करो। ये भी बता चुका हूँ मैं आपको कि USB को आप कनेक्ट कर सकते हो, आपको 2.5 GB का इथरनेट मिल जाएगा जो डोंगल आता है वो लगाते ही। लेकिन हम मेन चीज पे आ जाते हैं जो कि है बैकअप। बैकअप लेने के लिए इनका अपना एक सॉफ्टवेयर आता है, बड़ा कंफ्यूजन है, क्यूनेप भी ऐसा ब्रांड जो है इस चीज़ को बहुत क्लियर नहीं कर पाया और बड़ा कंफ्यूजन रहता है जो नेस लेते हैं लोग कि बैकअप कैसे लिया जाए, कई चीज़ें हैं और क्या चीज़ बेटर है। जैसा कि अगर आप किसी से बेसिक डिफरेंस पूछो बैकअप में और सिंकिंग में क्या अंतर है, क्योंकि कई तरह के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि हाइब्रिड बैकअप सिंक है, हाइब्रिड बैकअप सिंक 3 चल रहा है, उसको उसका क्या यूज़ है। नेट बैक इम्प्लीकेटर है वो PC से आपके नेस में लेने के लिए, जो हाइब्रिड HBS3 के नाम ले रहा हूँ मैं, वो आप लोकल भी अपनी बैकअप की कॉपी बना सकते हो और साथ में चाहो तो क्लाउड पे भी ट्रांसफर कर सकते हो, ये उसके लिए काम आता है। साथ में क्यूसिंक भी आता है, क्यूनैप का अपना एक ब्रांड, वो सिंकिंग करता है, वो एज इट इज जो है आपकी जो फोल्डर है वो सेम रखता है। फिर स्नैपशॉट, सब लोग जानते हैं कि स्नैपशॉट क्या होता है, जैसे इमेज होती है आपके कंप्यूटर की बन जाती है, तो बैकअप में और इमेज में क्या अंतर होता है जब दोनों ही एक काम कर रहे हैं, आइए इन सब के बारे में बात करते हैं वीडियो में आगे। देखिए नेस का सबसे बड़ा काम जो होता है वो बैकअप लेने का ही होता है। ज्यादातर लोग जो नेस की बात करते हैं वो बैकअप लेने के लिए करते हैं, लेकिन बैकअप लेने के अलावा भी नेस के बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बैकअप के बारे में ही बताता हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ चार सॉफ्टवेयर खोल रखे मैंने, ये चारों बैकअप लेने के लिए हैं। जैसे विंडोज का आपको बिल्ट इन मिलता है फाइल हिस्ट्री वाला, इसमें आप सिंपली अपना शेड्यूल बना लो, समय शेड्यूल बनाने का आपका वो दे रखा है, अपना फोल्डर चूज करो, अपनी ड्राइव चूज करो, ये आप चूज कर सकते हो। साथ में मैं आपको दिखा रहा हूँ ईज अस टू डू बैकअप फ्री, ये भी फ्री सॉफ्टवेयर है, ये मैं अपना सिस्टम इमेज लेने के लिए और वो करने के लिए आज तक यूज करता हुआ आया हूँ। क्यूसिंक और नेट बैक रेप्लीकेटर, ये क्यूनैप की तरफ से आता है। अब कई लोगों का कंफ्यूजन ये होता है कि सिंकिंग और बैकअप में क्या अंतर होता है, और ऑल्दो मैं ये बताना चाहूँगा कंपनियाँ बहुत अच्छी कोशिश करती हैं कि भाई सिंकिंग या बैकअप जैसी चीज़ें जो हैं वो क्लियरली बता सकें, लेकिन लोगों को लगता है कि दोनों ही बैकअप का तो काम कर रही हैं, जो फोल्डर है वो आपका नेस में जा रहा है, तो फिर दोनों में अंतर क्या है। सिंकिंग में आपको समझाना चाहूँ तो आप ये समझ लो जैसा एक फोल्डर है वैसे दूसरा फोल्डर आपकी नेस में बन जाएगा, और नेस में कोई चेंज होगा तो यहाँ पे फोल्डर में आपको कंप्यूटर में दिखाई देगा, या फिर मोबाइल से भी आप कोई फाइल डिलीट करते हो तो वो सारी नेस से लेकर आपके कंप्यूटर में सब डिलीट हो जाएगी, यानी कि फोल्डर जैसा आपको कंप्यूटर में दिखाई देता वैसे ही हर जगह दिखाई देगा। बैकअप एक तरीके से अनयूजबल होता है, सिंकिंग जो होती है वो यूजबल होती है, फोल्डर है यूजबल है, बैकअप तो प्रोटेक्शन के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह ही है कि फेल हो जाओ आप तो आपका डाटा आपको मिल जाए। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जैसे क्यूनैप का ये सॉफ्टवेयर है और आपकी नेस भी क्यूनैप की है तो आप उनका नेट बैक रेप्लिकेटर यूज करो, इसमें आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, शेड्यूल मिल जाएगा, इंस्टेंट बैकअप मिल जाएगा, जो भी बेसिक से बेसिक चीजें हैं वो मिल जाएंगी। लेकिन अब मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूं। आपको पता होगा इनका HBS3 हाइब्रिड बैकअप सिंक आता है क्यूनैप का,
ये बहुत पॉपुलर है, जब भी आप नया जीक्यू ने अपना उस लोगे तो उसके बारे में जरूर आपको बात पता चलेगी। ये बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है, लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये बैकअप लेने के लिए है और हमें अपने कंप्यूटर में कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये नैस में है तो बैकअप होता रहेगा। ये बेसिकली आपका जो नैस के अंदर ही है उन्हीं चीजों का बैकअप लेने के लिए है। पहले शुरुआत करे ले रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं, ये जो आपकी HBS3 में स्टोरेज स्पेसेस है वो दिखाई देंगी, आपने जो नैसेस जोड़ रखी है वो यहाँ पे दिखाई देंगी आपको, आपका डाटा वॉल्यूम कितना चल रहा है। जैसे मैंने 4 TB लगा रखी है लेकिन मेरे पास यूजेबल जो है वो 715 GB है। साथ में आपकी ऑनलाइन जितनी भी क्लाउड सर्वर्स हैं वो सब आपने अकाउंट बना बना के यहाँ जोड़ लो, तो आप वो सारे क्लाउड के भी सर्वर जो है या नेस के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, एक ही जगह से आपका सारा काम हो रहा है। साथ में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जैसे ये नेस है, इसमें आपको टाइम मशीन तो बेसिकली एप्पल के लिए है बैकअप लेने के लिए, आप इस नेस का भी जो बैकअप है वो RTRR सर्वर जिसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम रिमोट रेप्लिकेशन, आप इस नेस का भी बैकअप कहीं और ले सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। स्नैपशॉट्स जो है, ये भी एक दिक्कत है, स्नैपशॉट मेरे मुंह से निकल गया है कि इमेज में और स्नैपशॉट में क्या अंतर होता है। इमेज तो आप सब जानते हो, वो भी एक बैकअप लेने का तरीका होता है, एक फाइल सिस्टम है। स्नैपशॉट भी वही होता है? बिल्कुल नहीं। स्नैपशॉट तो ये होता है जो QNAP में ही दे रखा है कि अगर आप जैसे कुछ नेस में चेंजेस करते हो और आप वो भी सेव रखना चाहते हो कि गलती से अगर कोई फाइल डिलीट हो जाए तो नेस में भी आप दोबारा कर सको, तो नेस का भी कहीं बैकअप चल रहा हो तो स्नैपशॉट सिस्टम जो है उसमें मदद करता है आपकी। वो जो फाइल आपने डिलीट करी है वो अपने आप टाइम भी निर्धारित कर सकते हो कि 1 महीने तक रहे, और आप जब बटन दबाओगे तो वो सारी फाइलें दोबारा आ जाएंगी। ये भी नेस लेने का फायदा होता है। और ये USB वन टच कॉपी जो बटन मैंने दे रखा है, जो मैंने आपको दिखाया था कि USB 3.2 Gen 1 जो है उससे कनेक्ट होता है, उसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। वो वन टच बटन को अगर आप क्लिक करोगे तो क्या क्या कर सकते हो, जैसे कि एक ऑप्शन ये दे रखा है कि एक्सटर्नल स्टोरेज ड्राइव, इसमें तो जैसे आप कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो वैसे ही आपने नेट से कनेक्ट कर दिया, बटन दबाओगे कुछ नहीं होगा। दूसरा एक सबसे स्मार्ट इम्पोर्ट है, स्मार्ट इम्पोर्ट में कुछ नहीं है, जो आपकी यूएसबी में जो भी कुछ होगा, जो भी ड्राइव में होगा जैसे आप यूएसबी से कनेक्ट कर रहे हो, वो आपका कॉपी हो जाएगा। बेसिकली कॉपी क्या होगा, वीडियोज और इमेजेस, जो छोटी फाइलें होंगी, अगर आप कहो कि जैसे मान लीजिए कोई वर्ड डॉक्यूमेंट था तो वो कॉपी नहीं होगा। ये स्मार्ट इंपोर्ट का, ये बेसिकली कैमराज वगैरह के साथ आप यूज कर सकते हो। मैं इसका प्रैक्टिकल यूज आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। इसके बाद USB वन टच कॉपी बटन है, इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो उसमें आपको सेटिंग्स के चांसेस मिलते हैं। आप चाहो तो आप नेस से USB से नेस में बैकअप ले सकते हो, जैसे कि आप तीर बना हुआ भी देख रहे हो, या फिर आप चाहो तो नेस से जो है USB में ले सकते हो। देखो तीर चेंज हो गया, इसमें आप जो है ये सिंक्रोनाइज कर सकते हो, जितना चेंज हुआ है सिर्फ वही यूज़ करो। इसमें आप फोल्डर वगैरह भी जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हो, कौन से USB वाले में जो ड्राइव आपने जोड़ी है उसमें फोल्डर में किस में जाएगा वो भी यहाँ पर लिख सकते हो। मैनुअली अनमाउंट USB जैसी कॉपी हो जाएगी वो जो है आपको बता देगा। और साथ में एनेबल अलार्म बजर, ये जैसी कॉपी हो जाती है ये आपको नोटिफाई कर देगा और आपका अनमाउंट तो हो गया है। साथ में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें USB वन टच कॉपी बटन में। इसका कस्टमाइजेबल है बेसिकली, जो सामने है यहाँ पर आपने जितने भी बैकअप के जॉब्स क्रिएट किए हैं वो सारे दिखाई देंगे। आप एक बैकअप नहीं क्रिएट करोगे, आप डिफरेंट बैकअप क्रिएट करोगे। जैसा कि मैं आपको दिखा भी रहा था कि जैसे मैंने इसमें ईज़ डूडू बैकअप फ्री में कर रखा है कि मैंने सिस्टम बैकअप अलग ले रहा हूँ और मैं डी और ई का अलग ले रहा हूँ, तो ये आपके ऊपर चॉइस है कि कई तरह के बैकअप्स आप ले सकते हो। और सिंकिंग तो अलग है, ये सिंकिंग का ऑप्शन है, सिंक्रोनाइज कोलैबोरेट शेयर। सिंक्रोनाइज तो आप समझ ही रहे हो, फोल्डर जैसा है यूजेबल फोल्डर, मतलब उसमें वीडियोस इमेजेस या फाइल जो भी वर्ड फाइल है आपकी दिखाई देंगी, और जैसा आपके कंप्यूटर में होगा वैसा ही नेस में दिखाई देगा, और नेस जो है सब में बांट देगी। आपका जो एडिटर वगैरह भी है जो भी दूर कहीं काम कर रहा उसको भी फोल्डर वैसे ही दिखाई देगा जैसा आपके कंप्यूटर पे, आपको फाइल डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाएगी, वो आपका जो एडिटर है वो उसमें कुछ जोड़ेगा तो रिफ्रेश होकर आपका फोल्डर जो है आपको दिखाई देगा कि ये फाइल ऐड हो चुकी है। लेकिन ये भी हो सकता है कि एडिटर से गलती से क्या होता है, आपकी 10 फाइलें उड़ सकती हैं, तो आपका तो कंट्रोल आपने खो दिया, आपके फोल्डर में से चली गई। तो यही आपको ऑप्शन मिलता है कि आप 2-way sync चाहते हो, 1-way sync चाहते हो, एटिक सिंक चाहते हो। 2-way sync तो साफ साफ समझ रहे हो आपके जो चाहे एडिटर अगर कोई चेंज करता है तो वो चेंज हो जाएगी, मतलब कोई और करता है, और आप नेस में कुछ चेंज करते हो तो वो भी अपडेट हो जाएगा। 1-way sync और एक्टिव सिंक दोनों ये है, किसको चॉइस मिलेगी? नेस वाले को चॉइस मिलती है सिर्फ डिलीट करने की फाइलें या अपग्रेड करने की फोल्डर, और दूसरे को नहीं मिलती है, या फिर सिर्फ दूसरे को मिलती है। ये बैकअप एंड रिस्टोर सेक्शन है, इसमें आप अपना नया बैकअप क्रिएट कर सकते हो। इसमें आपको बता दो कौन से फोल्डर में, शेड्यूल वगैरह कर दो आप, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, समरी एरर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये आपका एक तरह से डैशबोर्ड हो गया, और आप ये देख सकते हो वीडियो 3-2-1 बैकअप स्ट्रेटजी। बैकअप की दुनिया में आपने बहुत सुना होगा 3-2-1 बैकअप स्ट्रेटजी चलती है, इसका मतलब ये होता है कि 3 बैकअप लो आप अपने डाटा के, 2 ऑफलाइन होने चाहिए और 1 क्लाउड में होना चाहिए। ये 3-2-1 जो है नंबरों को यूज़ कर लिया। अब
ये तो सबके समझ में आता है कि तीन बैकअप लेने चाहिए डाटा को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है आप एक जगह बैकअप ले रहे हो और दूसरी जगह फिर आप बैकअप ले रहे हो, तो उतनी डबल स्पेस क्यों यूज करोगे आप। इसीलिए इनके QDDUP ऐसे ये सॉफ्टवेयर आते हैं QNAP के, जो कंप्रेस कर देते हैं, जो दूसरा बैकअप आप ले रहे हो उसको बहुत कंप्रेस कर देगा, आपके NAS के रिसोर्सेज भी बहुत कम खर्च होंगी। जैसे 1 GB का बैकअप अगर आपने ले रखा है अपने NAS में, तो दूसरी जगह आप दोबारा NAS का भी आप बैकअप लेते हो तो वो बहुत ही कम जगह लेगा, और जो स्नैपशॉट फीचर है वो भी सेव कर रहा है NAS को। आप ऐसा समझ लो कि अगर 600 GB की आपकी 600 GB तक की आपका बैकअप है, तो मान लो 24 25 GB में आपका दूसरा स्नैपशॉट बन जाएगा और वो भी NAS को सुरक्षित रखेगा। और ये मैं आपको दिखा रहा था ना, एक बार फिर से दिखाता हूँ कि स्टोरेज स्पेसेस जो है आप और भी जोड़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर जो है मैं लोकल NAS जोड़ सकता हूँ, रिमोट NAS जोड़ सकता हूँ, अपने क्लाउड सर्वर्स जितने भी हैं वो सारे जोड़ सकता हूँ, एक ही जगह से कंट्रोल कर सकता हूँ। आप देख भी रहे हो ड्रॉप बॉक्स जैसे आपको कनेक्ट करना है इसके अंदर अपना क्लाउड सर्विस, वो कुछ नहीं ईमेल वगैरह मांगेगा, आप साइन इन कर दो और इसमें आपका कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर स्पेस दिखाई भी देगी। लेकिन ये सब मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाया है, जैसे कि मैं ये हाइब्रिड बैकअप सिंक के बारे में आपको बता रहा हूँ ये तो सिर्फ NAS का बैकअप लेने के लिए, और बाकी जो 4 सॉफ्टवेयर मैंने आपको दिखाए वो बेसिकली कंप्यूटर का बैकअप लेने के लिए। लेकिन फिर भी ये सिंकिंग कैसे होती है, Q6 सेंट्रल है, सिंकिंग का क्या फायदा है, कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके मैं आपको और समझाना चाहता हूँ डिटेल में। ये तो ओवरऑल था कि जैसे कम से कम मैं आपको सही बता रहा हूँ, लोगों को ये समझ में नहीं आता कि बैकअप, सिंकिंग, इमेज, स्नैपशॉट इन सब के बीच में अंतर क्या है और मैं कैसे शेड्यूल करूँ। और कई लोगों को ये समझ में नहीं आता जब NAS में बैकअप ले लिया, NAS तो मैंने ले ली थी कि कंप्यूटर का बैकअप ले लूँ, अब आई जी तुम ये कह रहे हो कि NAS का भी बैकअप लेना पड़ेगा तो एक और हमें डिवाइस खरीदनी पड़ेगी, NAS के बैकअप की क्या कहानी है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी अगर आप अपने NAS को यूज़ कर रहे हो। बेसिकली जो आज हम NAS यूज़ कर रहे हैं वो होम यूज़ के लिए बढ़िया है, बिजनेस में भी आप यूज़ कर सकते हो। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो वो चेक कीजिएगा, लिंक्स वगैरह मैंने दे रखे हैं। वीडियो चलाओ तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मैं हूं आईजी, आप देख रहे हैं, मिलता हूँ वीडियो में, तब तक गुड बाय टाटा।